कैसे लगता है जब लोग मेरी तारीफ करते हैं? क्या मतलब जब लोग मेरी तारीफ करते हैं? कुछ नहीं, कैसे लगी? अच्छी तो लगती है। नहीं मतलब कुछ तो लगता होगा। हाँ तो अच्छा ही तो लगता है। कैसे? वाओ, सब लोग तारीफ करते हैं। तो हंसते क्यों, मुस्कुराते क्यों? तो क्या मुस्कुराओ ही नहीं? नहीं, क्या मुस्कुराहट अलग वाली होती है। हाँ तो एक खुशी होती है। आज जब मैं घास काट रही थी अंदर ही अंदर था खुश हो रहा था। क्यों? नहीं देखा ना पहले कभी? तो और पता है जब मैं फर्स्ट, मैं हमेशा इसका रिएक्शन नोट करती हूँ, मेरी आदत है ना। जब मैं खाली ड्रेस पहना था तब भी आयुष का रिएक्शन लिया था, जब कुछ नया ड्रेस पहनती तब भी, लेकिन आज उसका रिएक्शन था ना वो अलग ही था, डिफरेंट रिएक्शन, वही चाहिए होता है। पूरा आज कल मैं तो नेपाल के जस्तो लाग्छ यार, कलकत्ता हो भने मैले त खै पाकिस्तानको सँग मेरो लप परेको जस्तो लाग्दैन नि। आजको पुरा नेपाली भाइब दिन्थे। कुरानी काट्न सिकिसके। हाँ ये शौक था, पता ऐसा लगा था मैं बोलूँ कि आउच आ नो, कल के ब्लॉग में देखना पुरा है ना। गाँव को याद हम आंटी आमासंग कुरा काटे बस दिनभरी को मानी दादी कुरा काटे बस ना हो तुम तो आज का मतलब दूसरों की मतलब बात काटने भी सीख गई नेपाल आगे। आंटियों के साथ इधर बैठ के, इधर बूढ़ी बूढ़ी आमाओं के साथ बैठ के कुरा काटे बस रहा गाँव घर के को। आज म बाहर सान सौ लेकर आगे पूरा उतर तल बरंडा में बसर पूरा आमा मस्त कुरा काटे बस कि मैं तो फर्स्ट टाइम उनको बोली थी मुझे काटने के लिए भी कुछ दे दो। नहीं तपाई को ये खराब हो, इतना ख्याल रखते हैं यार इतने अच्छे से। हाँ तो राजा रानी लेके आया तो रानी थोड़ा काम करती है। एक नहीं गई वैसे सच में, लेकिन यहाँ पर ना सब मुझे रानी की तरह ट्रीट करते हैं, सच में उससे भी ज्यादा बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। अरे अब अच्छा हम तो यार, अच्छा हम तो बात ही मत करो ना, बहुत ज्यादा अच्छा हम तो मतलब मेरे पास जब कुछ भी नहीं थी तब भी ऐसी थी, अब मेरे पास सब कुछ है, इतने मतलब लोग प्यार करने वाले, इतने ज्यादा लोग को मैंने कमाया हूँ तब भी मेरे साथ ही है, जान भी देने के लिए अच्छा रेडी है अच्छा से। तो ऐसे है ना, पुरखों से चले आ रहे यार, मैंने अपने पुरखों की नाम और बचा के रखा हूँ, आगे जाकर मेरे बेटा भी आएगा इधर तब भी ढोल बजा बजेंगे, मेरे बेटे बेटे आएंगे इधर, मेरे बेटे भी दूल्हे लेके आएगा इधर तब भी इधर वाला ढोल बजना चाहिए ना। तो ये परंपरा असम की कभी नहीं मिटेगी हमारी गांव से, बस असम से क्यों, अब तो पूरा नेपाल से है ना। पहले तो बस अब असम थी एक कि अपनी जगह है, ठीक है उधर इज्जत मिलती है, लोग प्यार करते हैं, अब तो पूरा नेपाल है यार, बस पूरा नेपाल क्यों यार, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर जगह। अब दुबई जाने की बात तो हम मतलब बिछड़ जाएंगे मोटू। यस यार, ओह माय गॉड, दुबई जाने का तो मैं अपने अपार्टमेंट में, वो कहाँ कहाँ अपने घर में, कितने किलोमीटर है उधर से, 150 या कितनी दूर है, 150 200-300 किलोमीटर छ, त्यत्रो टाढा खाना, यहाँदेखि लगभग धनगढी भनौँ मा, यहाँदेखि धनगढी 200 किलोमिटर त होला नि होइन, अछामदेखि धनगढीको बाटोसम्म लगभग 6-7 घन्टा त्यस्तो जामसामले ल्याङ गर्ने कि मैले स्ट्रेट बाटो छ नि त, लास्ट स्ट्रिट पुगिन्छ नि, त्यो ट्राफिक धेरै हुन्छ कि दुबईमा, गाडीमा त छ नि त सक्छ, कितना टाइम लाग्छ, 2 घन्टे उधर जाने होइन, 2 घन्टे त्यही, अब दुबई गएपछि छुट्टिन्छ हामी, अहिले नेपालमै सँगै हो, अब दुबई गएपछि एक दिन सँगै हुन्छ होला, त्यसपछि जाने मेरो उसके बाद फिर वो पहले जैसी फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे लाइव, उसी टाइप की लाइव होगी इसके बाद यार, वो मतलब अपने घर से लाइव आएगी, मैं अपने घर से लाइव आऊँगा दूर दूर, अब मिलने तो मतलब यार दिन में मतलब 200 किलोमीटर ट्रैवल करके इधर उधर जाना, एक दिन रखा करेंगे। हाँ हफ्ते में एक दिन तो मिलेंगे ना, हफ्ते में एक दिन रखा करेंगे। हाँ आई यूज़ मीट अप,
इतना दूर क्यों गिरगा फर्मेंट्री, क्योंकि उधर ही काम इधर उधर अपनी त्यो किन फिर उता उनीहरूको घरदेखि कि त उति लिएको भए मैले अपार्टमेन्ट रुमहरू उता लिएको भए मलाई उता फेरि दिनमा के अरे जहिले पनि हरेक दिन म 200 किलोमिटर अनि कसरी जान सक्छु त्यहाँ गाह्रो हुन्छ नि, ट्याक्सी पनि त्यस्तै महँगो छ उता.